सो नमस्कार डे थ्री ऑफ महताब इंस्पायर सीरीज एंड इट इज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म नाउ सर हैज रीच कोलकाता एंड जस्ट मॉर्निंग वी कन्फर्म टू नाइट ही विल रीच गोवा एंड टुमारो आफ्टरनून ही विल रीच हियर. टुडे बिकॉज इट इज़ द लास्ट डे ऑफ महताब सीरीज़ क्योंकि कल आ रहे तो कल सुबह मैं छः बजे ही चले जाऊँगा तो यू पीपल हैव राइट टू आस्क क्वेश्चन्स आप सवाल पूछ सकते हो जो मुझे पूछने हैं एंड देन इट कैन बी एनी क्वेश्चन इट इट नीड नॉट टू बी अवर रिलेटेड टू अर ऑफिस और समथिंग लाइक दैट और वॉट एवर वी हैव डिस्कस इन लास्ट कपल ऑफ डेज कल मैंने खुद ही आप लोगों के माइंड में एक सवाल uh, आना चाहिए था आया भी होगा और शायद आप लोगों ने मुझे पूछा नहीं तो ऑन बिहाफ ऑफ यू कल हम जब लंच कर रहे थे तो आई वी वर डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन कि इसके पीछे लॉजिक क्या था कि सर जब जब आप पास हुए तो महताब सर ने आपको सीए करना नहीं बोला कि मत करो सीए ठीक है ना नेगेटिव बोला और जब जब आप फेल हुए तब तब, तब उन्होंने आपको इनकरेज किया कि नहीं करना चाहिए ठीक है ना एंड इट वाज नॉट नॉर्मल इनकरेजमेंट एंड नॉर्मल डिस्करेजमेंट मतलब नॉर्मली आप दो चार सेंटेंस बोल के रुक जाते हो इट वॉज़ वेरी फोर्सफुल मतलब अगर आ, शायद मेरी जगह कोई और होता तो उनकी बात मान के छोड़ भी देता सी और आ, शायद करता भी नहीं ऐसा था तो यस देर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट एंड वी हैव नेवर डिस्कस सर और मैंने कभी वो डिस्कस नहीं किया है बट वॉट एवर मैच्योरिटी आई हैव विद दैट मैच्योरिटी वेन आई थिंक वाई इट वॉज डन इन दैट पर्टिकुलर पैटर्न दैट एक तो है कि जब भी आप पास होते हो सी जैसा कोई भी एग्जाम या उसकी कोई भी लेवल तो आप आसमान में चले जाते हो ना आपको ऐसे लगता है आप ही सर्वस हो आप ही महान हो यू नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड नाउ एंड वो एक एटीट्यूड ब्रेक करना उनका काम था तो जब जब मैं बहुत ऊपर गया तो ही केप मी ऑलवेज ग्राउंडेड और जब जब मैं गिरा तो गिरे गिरे हुए को तो उठाना तो पड़ेगा ही तो जब फेल होते तो एनकरेजमेंट क्यों देते वो तो लॉजिकल है उसमें कोई नई बात नहीं है कोई भी फेल होने के बाद आपके पास आएगा तो आप उसको एनकरेज ही करोगे कि एक बार और दे दो कोई टेंशन नहीं है लेकिन जब मैं पास होता था तो नेगेटिव क्यों बोलते थे क्योंकि एक अपना एक तो औकात में रहना चाहिए इंसान ने हमेशा ठीक है ना अपने आप को महान नहीं समझना चाहिए तो इवन टूडे आई हैव दैट पर्टिकुलर एटीट्यूड इन मी नाउ तो तभी एटीट्यूड नहीं था शायद फिर कर करके उन्होंने वो एटीट्यूड डेवलप किया आई फील इवन आफ्टर लर्निंग सो मेनी थिंग्स आई आई नो वेरी लिटिल ओके सो महताब सर का स्टेटस भी जो है अभी व्हाट्सअप पे उसमें भी वैसे लिखा है द मोर आई लर्न द मोर आई नो दैट आई नो वेरी लिटिल और आई नो नथिंग समझ में आ रहा है आपको तो जितना पढ़ोगे उतना आपको समझेगा कि हमें कुछ नहीं आता तो जितना ज्यादा नॉलेज आएगा उतना आपको लगेगा कि हमारे पास कम है तो वो एटीट्यूड आपको हमेशा रखना चाहिए दैट इज एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट ठीक है ना तो इसके कनेक्टेड एक स्टोरी भी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की अल्बर्ट आइंस्टाइन इज नोन एज द फादर ऑफ फिजिक्स तो फिजिक्स के जितने भी नॉर्म्स है रूल्स है ठीक है ना यूनिवर्स कैसे चलता है तो ही हैज रिटन सो मेनी बुक्स ही हैज डन सो मेनी इन्वेंशन सो मेनी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज तो बहुत सारी चीजें उन्होंने की तो वन ऑफ द वेल नोन साइंटिस्ट ना मतलब जिसको साइंस में साइंस में इंटरेस्ट uh, uh, भी नहीं होता उसको भी अल्बर्ट आइंस्टाइन पता है ठीक है ना तो ही तोलिटी kind of तो वो एक बार किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में विजिट करने गए थे ही वॉज वेरी फेमस प्रोफेसर सो पीपल यूज टू कॉल हिम फॉर यू नो वन डे लेक्चर्स एंड ऑल तो किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो थे उन्होंने इनवाइट किया था ही वॉज ऑल्सो वेरी वेल नोन प्रोफेसर इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी लेकिन वो जिन बुक्स में से पढ़ाते थे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखे हुए बुक थे समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूं तो मैं प्रोफेसर मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बुक में से पढ़ा रहा हूं in तो जब वो इंट्रोडक्शन हुआ इन दो प्रोफेसर का एक दोनों के सामने तो जो प्रोफेसर जिन्होंने इन्वाइट किया था उन्होंने गुड मॉर्निंग कुछ बोला होगा एंड देन बोला होगा सर माय नेम इज सो एंड सो एंड आई एम अ टीचर ऑफ फिजिक्स आई एम अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ाते थे तो आप वैसे ही बोलोगे ना देन अल्बर्ट आइंस्टाइन स्टूड एंड ही ठीक है ना तो जिसके बुक में से वो पढ़ा रहे वो अपने को प्रोफेसर बता रहे और जिसने बुक लिखा है जिसने इन्वेंट किया है वो चीज वो अपने को फिजिक्स का स्टूडेंट बता रहा है तो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड वी शुड लर्निंग ठीक है ना आप हमेशा सीखते रहो और वो मुझ में उन्होंने सर ने डाला है मुझे उसके पहले नहीं पता था कि सीखना भी जरूरी होता है तो दैट इज वन लॉजिक सेकेंड लॉजिक जब जब आपको कोई ये बोलता है ना कि आप नहीं कर सकते ना तो आपको इसको दो तरीके से लेना चाहिए कोई अगर आपके सामने आके नेगेटिवली बात करता है कि यू कैन नॉट डू दिस आप इसका दो अंडरस्टैंडिंग होता है ठीक है ना एक क्या होता है क्योंकि क्यों? उन्होंने बोला कि आई कैन नॉट डू दिस सो आई शुड नॉट डू दिस मुझको तो नहीं होना था सर ने बोल दिया कि आपसे होगा भी नहीं तो नहीं करता मैं कभी कभी क्या होता है दूसरा क्या लॉजिक होता है आपको किसी ने चैलेंज किया चैलेंज किया ये फैक्ट स्टेटमेंट नहीं है यू कैन नॉट डू दिस इज नॉट अ फैक्ट स्टेटमेंट इट्स अ चैलेंज स्टेटमेंट कि आपसे नहीं हो सकता आपकी औकात नहीं है ठीक है ना ऐसा अगर आपको कोई बोल दे तो फिर आपको क्या करना चाहिए रु कभी करके दिखाता है तुझे तो आउट ऑफ एंगर मैं ज्यादा पढ़ाई करता था क्योंकि जब भी मैं पढ़ाई करके थक जाता था हाँ आपको ऐसा होता है ना पढ़ाई करते हो बारह घंटा अठारह घंटा जब आप स्टडी करते हो तो यू गेट टायर्ड और जब थक जाते हो तो सोने का मन करता है और दोस्तों के साथ घूमने का मन करता है टाइम पास करने का मन करता है तो वो जो हार्श सेंटेंसेस होते थे ना जो ऑफिस में मुझे इंसल्ट किया जाता था मेरा कि मुझे कुछ आता नहीं है मुझे अच्छा काम नहीं देते थे कोई अच्छा काम आएगा तो मुझे बोलते थे अरे तुम इनकम टैक्स का ऑडिट का काम आ गया तो मुझे बोला जाता था अरे आपने तो इनकम टैक्स पढ़ा ही नहीं है तो आपको कैसे इनकम टैक्स का ऑडिट करने देंगे तो इंसल्टिंग है ना ये तो वो इंसल्टिंग वर्ड्स कान पे आते थे तो कैसे लगता था कि आराम करना चाहिए कि और पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए तो दैट एक्टेड दैट एंगर एक्टेड एज अ फ्यूल फॉर माय ग्रोथ समझ रहा है ना वो पेट्रोल के जैसा काम किया गुस्सा भी कभी कभी अच्छा होता है अगर गुस्सा कंस्ट्रक्टिव हो तो गुस्सा दो तरीके से होता है गुस्सा आने के बाद हम चीजें तोड़ते हैं दैट एंगर इज नॉट गुड बट यू यू आर आर एंग्री एंड डूइंग समथिंग तो वो एंगर तो अच्छा है ना ठीक है ना तो दिज आर दू लॉजिक दैट कम्स टू माई माइंड एक तो मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखना था स्टूडेंट मेंटलिटी मेरे में इंस्टॉल करनी थी एंड थर्ड मुझे गुस्सा दिलाना था कि आपने ना बोला तो अभी आपको करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरे लाइफ में और ऐसा कोई नहीं है एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी देर इज नो बडी इन माई लाइफ नो बडी एक्सपेक्ट एनीथिंग मेरे से किसी से किसी का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है दट आई शुड डू बेटर इन लाइफ क्योंकि आप लोगों के सामने तो आज मेरी लाइफ आप जो देखते रहोगे मेजोरिटी ऑफ यू माई हैव ड्रीम ऑफ दिस लाइफ कि ऐसी लाइफ होगी तो सब सही है ना एजुकेटेड है पैसे कमा रहे है बिजनेस है अभी घर बन गया गाड़ी है सब तो वन ऑफ द काइंड ऑफ यू नो सेटल kind of लेकिन अगर मैंने अपने आपको यह बता दिया हाँ हाज इनफे स्टॉप जब सर मुझे देखते हैं तो मुझे हमेशा इस नजर से देखते हैं अभी कुछ भी नहीं किया है नथिंग दिस इज नथिंग तो आज भी वो चैलेंज होता है ऐसे नहीं को खाली एग्जाम के लिए था एग्जाम में स्टार्ट हुआ है वो गेम देम इज ने एंडिंग नाउ तो आ, इस

तो आपके भी सीनियर आपको कभी चिल्लाएंगे तो आपको दुश्मनी तो दुश्मन होगी तो मुझे दुश्मनी निकाल रहा है मेरे पापा ने इसकी जमीन छीन के लिए थी तो अब ये रिवर्स दुश्मनी निकाल रहा है लेकिन अगर वैसा कोई बैकग्राउंड नहीं है हिस्ट्री नहीं है तो वी आर ऑलमोस्ट टू ईच अदर आप जानते ही हो एक दूसरे को और जब आप नहीं जानते किसी को अभी आपके हाथ में एक तो आप पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड कर सकते हो या तो आप नेगेटिव और कभी कभी आप लोगों को ऐसे लगता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है हमारे ऑफिस में एक नेगेटिव चीज़ मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव मतलब थोड़ी डिस डिसअपॉइंट करनी जैसी चीज़ है कि आपको जब किसी टीम में डा, डाला जाता है तो आप उसी टीम के हो जाते हो तो आपको कंप्लायंस टीम में डाला तो आप कंप्लायंस टीम के हो जाते हो आप एकेडमिक्स टीम में जाते हो तो आप एकेडमिक्स के हो जाते हो ऑपरेशनल फ्लोर पर रहते हो तो बिजनेस फ्लोर को पाँव आपके पाँव भी नहीं लगते और बिजनेस फ्लोर वाले ऑपरेशन में आते तो उनको जरा भी इज्जत नहीं मिलती ठीक है ना तो आ, और मैंने कभी कभी ऐसे भी देखा है कि आप बोलते हो ये मेरा काम नहीं है या आपका काम है या दिस इज बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोंट डू दैट आपको टीम्स में डाला गया है ताकि आपको उस एरिया का एक्सपर्ट बनना है दैट मीन कि आप दूसरे टीम्स के साथ बात नहीं कर सकते इंटरेक्ट नहीं कर सकते आप दूसरे लीडर्स को पूछ नहीं सकते आपके डाउट नहीं लेके जा सकते ऐसा कोई ल, कोई नियम नहीं है एवरीथिंग इज ओपन फॉर एवरी ठीक है ना हाँ क्योंकि अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है तो हम क्योर्टिक नहीं रख सकते ना रोज आके आपको रोज आपकी अगर संगीत खुर्ची रखे कि रोज रोटेशन होना है तो वो फिर आपको कभी समझेगा ही नहीं कि क्या कहां पे क्या चालू है एंड जो भी हम गुरुकुल में कर रहे हैं वो बिल्ड करने के लिए हमें 10 से 15 साल लगे हैं ठीक है ना दस से पंद्रह साल पहले से तैयारी चालू 2007 से जैसे मेरी स्टोरी चालू हुई तो 2007 से इसकी तैयारी चालू हुई है तो ऑलमोस्ट देखो ना से लेके अभी अठारह साल, साल तो महीने में मैं कैसे पढ़ाऊं कि हम क्या कर रहे तो कोई फॉर्मूला थोड़ी ना क्या है हमने धीरे धीरे सीखा क्योंकि हमें सिखाने वाले लोग उतने ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं सिखाते थे, थे जैसे हम सिखा रहे हैं आपको तो हमें लग रहा है कि वी कैन बिल्ड गुरुकुल वेरी फास्ट बिकॉज वी नो हाउ टू टीच ना और आपने गुरुकुल में देखा होगा तो एक्सेप्ट एक्सेप्टन और टू थ्री गाइड ठीक है ना हमारे यहां पे ऑलमोस्ट सारे लोग फ्रेशर हैं, है कि नहीं आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केट में जाओ तो पहले आपको क्या पूछते हैं एक्सपीरियंस है क्या ठीक है ना तो हमने क्यों फ्रेशर को लिया क्योंकि जब महताब सर ने मुझे लिया था तो मे बी ऑलमोस्ट क्या था इस पूरे वर्ल्ड में एक्सेशन अकाउंटिंग ये सब में क्या था मैं पूरा फ्रेशर ही था मुझे बैंकिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज था लेकिन बाकी चीज का किसी का भी नॉलेज नहीं था मतलब सीए रिलेटेड मुझे कुछ भी नहीं पता था इनफैक्ट सीए क्या करता है वो भी नहीं पता था एंड सी रीजन वी आर ऑल्सो टेकिंग फ्रेशर आला देश दुनिया में कोई तो ऐसी कंपनी हो जो फ्रेशर को भी मौका दे ठीक है ना क्योंकि फ्रेशर क्या कर सकता है वो फ्रेशर को भी नहीं पता होता इसलिए तो उसको फ्रेशर बोलते हैं ना तो उसका कुछ भी हो सकता है वो बहुत अच्छा काम भी कर सकता है बहुत खराब भी कर सकता है तो वी हैव टेकन दैट रिस्क एज अ गुरु कुल यू शुड बी ऑलवेज है ऑर्गेनाइजेशन की इस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको पहली बार प्लेटफॉर्म दिया है इसके बाद आप लाइफ में किधर भी जाओ यू विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेड आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा यू विल नेवर बी रिजेक्टेड एनी इंटरव्यू इफ यू स्टे हियर फॉर टू ईयर दो साल रहना पड़ता है क्योंकि दो साल में आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है तीन महीने में छोड़ के जाओगे तो आप तो रिजेक्टेड होने ही वाले हो क्योंकि आपको तीन महीने में कुछ आएगा ही नहीं तो दैट्स से रिजन टू इयर्स क्योंकि दो साइकिल तो आपको ऑडिट्स की दिखनी चाहिए पता होना चाहिए बैलेंस शीट कैसे बनती है प्रॉब्लम्स क्या होते हैं आईटीआर कैसे फाइल होते हैं जीएसटी कैसे तो ऑपरेशनल वर्क आपको दो साल में समझ में आ जाता है यू द मोमेंट यू आर कंप्लीटेड टू ईयर्स यू गो टू एनी ऑर्गेनाइजेशन आई बिलीव नन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन रिजेक्ट यू गाइज

क्वेश्चन दैट माइट कम टू योर माइंड इज सर मुस्लिम है बाय रिलीजन बाय लेकिन आपको मैं बता रहा हूं इसलिए आपको यह पता चलेगा अगर आप उनको देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा सर ने शादी हिंदू मैम से मतलब हमारी जो रश्मि मैम है शी इज हिंदू फैमिली तो सर ने कभी भी रिलीजन को आगे रख के यूजुअली अपने रिलीजन के लोग अपने कास्ट के लोग अपने लोगों को ही आगे लेकर आते हैं अपने मतलब कम्युनिटी के लिए कुछ करना भी है तो कौन सी कम्युनिटी के लिए करते हैं लोग खुद की कम्युनिटी के लिए करेंगे ना क्योंकि कम्युनिटी तो हमारी हम हमारी करेंगे बाकी लोगों अपनी कम्युनिटी का अपनी कम्युनिटी वाले देख लेंगे ना तो सर ने मुझे कभी भी उस नजर से कभी नहीं देखा ना मैंने सर को उस नजर से कभी देखा है जो यूजुअली आप लोगों के माइंड में होता है कि ये इस रिलीजन के या ये उस रिलीजन के हैं हमारी कंपनी नंबर ट्री जहां पे मैं बड़ा हुआ हूँ इट वाज अ रिलीजियस न्यूट्रल इंटिटी रिलीजियस न्यूट्रल मतलब एवरी पर्सन इनरेस्पेक्टिव मतलब हमें कभी पूछा ही नहीं गया कि आपकी कास्ट क्या है आपका रिलीजन क्या है आपका बिलीफ सिस्टम क्या है आप किसकी पूजा करते हो नो बडी आस्ट एंड नथिंग मैटर्ड हमारे ऑफिस में दिवाली भी सेलिब्रेट होती है होली भी सेलिब्रेट होती है क्रिसमस कोई क्रिश्चियन है भी नहीं हमारे ऑफिस में फिर भी हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं मुंबई इज लाइक दैट ठीक है ना और आप अगर गुरुकुल में देखोगे तो वी हैव अडॉप्टेड द सेम कल्चर वी विल नेवर आस्क योर रिलीजन वी विल नेवर आस्क योर कास्ट और योर बिलीफ सिस्टम वेदर यू बिलीव इन गॉड वेदर यू डोंट बिलीव इन गॉड वेदर यू बिलीव इन दिस एंड दैट कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें ठीक है ना ऑब्वियसली so so kind of सर्टन में कुछ भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं है ओनली थिंगसिंग योर कैपेसिटीज और आप किसी भी कास्ट क्रीड रिलीजन के रहो हमारा जो बेसिक इंग्रेडिएंट है जिससे हम बने हुए पंचभूता से जिससे हम बनते हैं दैट इज सेम ओनली राइट आपके अंदर भी हार्ट है मेरे अंदर भी हार्ट है आपके अंदर भी बोन्स है मेरे अंदर भी बोन्स है आपके अंदर भी फ्लैश है मेरे अंदर भी फ्लैश है तो ये सब कुछ मुझे उन्होंने सिखाया है तो प्लीज आप आई बिलीव कि आप लोग भी गांव से आते हो तो गांव में बहुत ज्यादा होता है इसलिए मुझे इसके ऊपर बोलना पड़ा गांव में बहुत ज्यादा ये मेंटेन किया जाता है कि नहीं नहीं उनसे बात मत करो उनके घर पर खाना मत खाओ उसके हाथ का पानी मत पिओ ये ऐसे यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है आप प्लीज इसको ऑफिस तक मत लेकर आइए एंड प्लीज डू नॉट पास इट टू द नेक्स्ट जनरेशन लेट्स बी दैट जनरेशन जहां पे ये सब कुछ स्टॉप हो जाता है ठीक है ना तो डोंट बी सेल्फिश इन दैट मैनर क्योंकि ही वॉज नेवर सेल्फिश उन्होंने जज करके ऐसे काउंट करके मुझे कभी नहीं दिया तो दिस इज वन ऑफ द लॉजिक वाई वी हैव रिलीजियस न्यूट्रल एंटिटी इफ एनी अदर क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड मेरे माइंड में जितने आते थे मैंने आपके यहाँ पे पूछ के मैंने ही आंसर दी मैं ही पूछ रहा हूँ मैं ही आंसर कर रहा हूं ऋषि नो बडी हैज एनी क्वेश्चन एक्चुअली सवाल पूछने वाले लोग है ही नहीं आज uh, नहीं स्टार्टिंग में नहीं हुआ बहुत बात हुआ लाइक मे बी टू थाउजेंड एटीन के आसपास वेन दिस ऑल प्रोसेस तो इट इज़ ऑलवेज़ इन हिस्ट्री मेरे को उनके लेसन जब वो दिखा जब बता रहे थे और जैसे अभी 2020 में हमने ये ऑफिस खोला तो ये ऑफिस खोलने के टाइम पे ऑफिस कैसे होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए ये सब हमें स्कूल कॉलेज में थोड़ी ना क्या सिखाते हैं तो मुझे उन्होंने 2007 में सिखाया होता ऑफिस ऐसा होना चाहिए सर्वर पीसी होना चाहिए तो जो भी हमारे ऑफिस में वो तभी सिखाया गया था जो मुझे 2020 में यूज हुआ तो अगर तभी सिखाते ही नहीं तो पता ही नहीं होता ना आप लोगों को कहाँ पता है ऑफिस कैसे बनाते हैं अभी राहुल सर को पता है कि नहीं ब्रांच कैसे ओपन होता है सर तो ये हमको सिखाया गया है दिखाया गया क्योंकि दिस इज हाउ यू डू इट कलम सब लोग पानी की टंकी में थे बारिश की वजह से पूरी मिट्टी टंकी में गिरी हुई है वहाँ पे खड्डे में थे हम लोग तो ऑलमोस्ट एक डजन लोग मिलके मिट्टी निकाल रहे थे तो दैट्स हाउ यू लिफ्ट मर्ड आउट ऑफ अ होल मैन मेड होल तो ऐसे सीखना होता है तो बाय डूइंग ओनली ही टॉट मी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सर बहुत हार्श ट्रीटमेंट देते थे मुझे बहुत हार्श मुझे पता नहीं ऐसा क्यों करते थे तो uh, मुझे किसी भी बड़ी मीटिंग में लेके जाते देखो आप लोगों को लॉजिक समझ रहा है क्या इसके क्वेश्चन के थ्रू ठीक है ना तो सर का समझो आज किसी बहुत बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग है तो मुझे लेके जाते थे और आ, मुझे बैठने नहीं देते थे वहां पे क्योंकि मैं उतना ये नहीं ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में मैं भी बैठू ऐसे राउंड टेबल मीटिंग में मेरी कहां से बैठू तो सर के सर यहां बैठे तो सर के पीछे में खड़ा रहता था फाइल्स वगैरह लेके तो बाकी लोगों को भी डाउट नहीं आना चाहिए कि ये बंदा यहाँ पे क्यों है तो सर मुझे हमेशा काम देते थे हां गिव मी दैट पेपर आई इसका दो कॉपी लेकर आओ गो एंड ब्रिंग वाटर फॉर मी गो एंड डू दिस कुछ ना कुछ काम देते रहते थे मुझे ऐसे हमेशा स्टैंड बाय पे समझ रहे हैं ना दासी के जैसे खड़े रहना पड़ता था सिटिंग में तीन-तीन चार-चार घंटे मीटिंग चलती थी पैर दुखते थे मेरे लेकिन हमेशा मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग में सर ने लेकर गए बताओ क्यों लेके जाते थे तभी तो मैं फ्रस्टेड होता रहता कि नहीं ऐसा ही इंसान है राक्षस इंसान है, है। बैठने तो दो कम से कम नीचे ही बैठ जाता हूं नहीं लेकिन खड़े ही रखना तो और कभी कभी फाइल हाथ में ऐसे बड़े बड़े बॉक्स फाइल ऐसे लेके खड़े रहना पड़ता था तो इनडायरेक्टली मेरे साथ वहां पे क्या होता था क्लाइंट सर, सर को सवाल पूछते थे सर उसके जवाब देते थे तो अभी हमारे ऑफिस में क्या होता है क्लाइंट हमें सवाल पूछता है और उसके जवाब किसी बुक में नहीं लिखे तो जवाब में उनको क्लाइंट लोगों को देता वो कहां सीखा हूं वो उन में में सीखा है कि क्लाइंट से बात कैसे करते लेकिन उन्होंने एक भी दिन ये नहीं बोला कि राम यू शुड नो हाउ टू टॉक टू द क्लाइंट डेयर आई एम टेकिंग यू अलॉन्ग विथ मी मुझे तो पता भी नहीं था ना कि मैं सीए भी बनने वाला हूँ आगे जाके और मेरा खुद का फॉर्म भी होगा बट आई गेस ही न्यू मुझे ऐसा लगता है कि और इसलिए जब वो कुछ करने बोलते हैं ओनली पर्सन ऑन दिस माइट इन्फ्लुएंस माई डिसीजन मैंने अगर कोई डिसीजन लिया है कि मुझे ये करना है और मुझे उस डिसीजन से दूर लेके जा सकते हैं कुछ अलग करा सकते हैं तो इज अन्नी पर्सन एल्स ऑन दिस प्लान मैं इतना अच्छा इंसान इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं अपनी मनमानी करता हूं और अपनी मनमानी करने वाला इंसान हमेशा अच्छी चीजें नहीं करता उसके मन में जो भी आता है वो करते रहता है बट ही इज द वन हु कैन डू दिस तो बहुत सारी चीजें हैं दैट यू शुड नो तो दैट्स आई गेट दैट यू जब जब सीख रहा था तो उन उनसन की वैल्यू नहीं तीन तक गुस्सा आता था आज जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो लगता है कि एवरी डे वॉज अम बी ए स्कूल फॉर मी ये ऐसे करते दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल बहुत बार तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है खाली उनके एक्सप्रेशन से मैंने सीखा है